इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से आई एक सनसनीखेज खबर के साथ। दिल्ली में रोडरेज में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। विवाद तेज रफ्तार कार चलाने पर टोकने को लेकर हुआ था। दिल्ली के जीटी करनाल रोड इलाके की यह घटना है। विनोद मेहरा अपनी कार से जा रहे थे, उन्होंने एक दूसरी कार जो कि तेज रफ्तार से जा रही थी उसे रोक कर टोका, लेकिन उस कार में सवार शख्स ने विनोद को गोली मार दी। अस्पताल में विनोद मेहरा की मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि विनोद मेहरा कांग्रेस के नेता भी थे। जीटी करनाल रोड का ये मामला है। दिल्ली में रोडरेज में कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई है। विनोद मेहरा अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे। देखिए तस्वीरें भी हम विनोद मेहरा की आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी ये रहे हैं। क्राइम मामलों के संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, किसने गोली मारी, कौन था वो शख्स, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? देखिए अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि वो कौन बदमाश थे, आरोपी थे। इतना जो विनोद मेहरा उनके साथ में उनका भांजा भी था, उसने जो पुलिस को बयान दिया उससे ये बात पता चली है। मारुति इको गाड़ी थी। तो अब पुलिस जो हाईवे पर जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं उनकी मदद से पता लगाने में जुटी है कि कौन सी गाड़ी थी, क्या उसका नंबर था, कौन सा उसका मेक था। एक अधूरा नंबर भी पुलिस के हाथ में मारुति इको गाड़ी का लगा है, उसके जरिए पुलिस गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। बेहद दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना है। रात नेहा ये बता दूं आपको, रात को 3 बजे का समय था, लेकिन ये हाईवे पर भलसवा डेयरी के पास जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर काफी ट्रैफिक रहता है। रात के टाइम भी वहाँ काफी ट्रक की आवाजाही रहती है। और ये जो मारुति इको गाड़ी बताई जा रही है ये बहुत ही रैश तरीके से चला रहा था। इसका ड्राइवर है। जब विनोद मेहरा ने इसको ऑब्जेक्ट किया तो थोड़ी सी बहस हुई। उसके बाद जो मारुति इको गाड़ी का ड्राइवर है उसने थोड़ा सा आगे जाकर गाड़ी को इनकी ओवरटेक किया और उसके बाद उतरकर अपने उनके भांजे के ही सामने उसके सीने पर गोली मार दी। आपको ये भी बता दूं कि जब उनका भांजा तेज चिल्लाने लगा, रोने लगा, मदद की गुहार करने लगा तो पीछे से गाड़ी आ रही थी, वो उनके किसी जानकार की थी। उन्होंने जब बच्चे को चिल्लाते रोते देखा तो तुरंत गाड़ी रोककर विनोद मेहरा को संत परमानंद हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। बट फिलहाल अभी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है इस पूरे मामले में। जी शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता वरुण जैन ये जानकारी देते हुए कि रोडरेज का दिल्ली का ये मामला जिसमें कांग्रेस के नेता विनोद मेहरा की हत्या किसने की गोली मारकर, अब भी पुलिस को हत्यारे की आरोपी की तलाश है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।